विश्वास उसी पर किया जाता है कि जो विश्वास लायक हो, पहले ही बहुत बार विश्वासघात कर चुके हैं बिहार के जनता के साथ में। ये तो पलटू है, इधर में जहाँ देखेंगे हमको बढ़िया मंत्री मिल जाएगा ना, उधर घुसपैठ हो जाएगा। पलटू सरकार है। आपको विश्वास है कि वो टिकल रह जाएंगे मोदी जी के साथ है? अबर बार तो विश्वास है, अबर बार विश्वास है। नीतीश कुमार पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता 6 महीने बाद, साल भर बाद इधर आ जाए, उधर उसमें वो गारंटी नहीं ले सकता कोई, गारंटी नहीं ले सकते, कोई नहीं बता सकता कि कब किधर हो जाए। वो तो पलटू चाह है, पलटू चाह कहीं भी पलट सकता है, कहीं भी पलट सकते हैं। यदि नीतीश कुमार उधर से पलट के इधर भी आ जाते हैं तो एनडीए का सरकार तो नहीं गिरेगा, तो इससे वो जो चमचे हैं राहुल गांधी के चमचे, उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास पेशकश बोल भारत। देखिए, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि देश की राजनीति का दिशा और दशा जो है वो बिहार ही तय करता है, चाहे वो बात अतीत की करें, चाहे वो बात वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की करें। एन फैक्टर आपने सुना होगा, वो एन फैक्टर मतलब होता है नीतीश फैक्टर। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है या फिर आशंका ये जाहिर हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ बरकरार रहेंगे। आइए बिहार के लोगों से बात करते हैं, इन्हें कितना भरोसा है इनके अपने मुख्यमंत्री पर। क्या नाम हुआ अंकल आपको बोल रहे हैं? नाम तो बता दीजिए। डब्लू जी। नीतीश जी को जानते हैं? हम नहीं जानते, हम बाहर होते। अरे नीतीश कुमार को जानते हैं? सब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको पलटू चचा कहा जाता है। पलटू चचा अबरी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का साथ दिए तो हो सकता है पलट जाएंगे। आपको लगता है कि फिर पलटेंगे? भविष्य में कोई पलट ही जाएंगे कभी? हाँ, लग रहा है कि पलट जाएंगे एकदम, विश्वास एकदम खो दिए हैं। वो पलटू चचा है ये। क्या नाम हुआ बाबा? क्या नाम हुआ? श्याम लाल जी। श्याम लाल क्या करते हैं? क्या कुछ, बैठा बैठी है। बैठा बैठी है? अच्छा, बैठा बैठे में हमको इतना बता दीजिए कि कल जो है मोदी जी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे तीसरी बार, नीतीश कुमार समर्थन किए हैं, तो आपको लग रहा है कि समर्थन बरकरार रखेंगे? कहे कि इनका पलटने वाला आदत है। अब हम कैसे कहें, हमको उतना जानकारी नहीं है, हम नहीं बता सकते। नाम है उसका, हम क्या बोलेंगे? कुछ बोल रहे थे नहीं, हम तो खाली बोले कि पलटू जी उनका नाम है। वैसे सरकार वो अपने अपने स्वार्थ ही जीते हैं, सरकार को ऐसा होना चाहिए निस्वार्थ, है ना। लाल बहादुर शास्त्री क्या बोलते हैं, जो भगत सिंह है ना, वो जीवन दे दिए, फांसी पर चढ़ गए देश के खातिर, वैसा निस्वार्थ होना चाहिए। मरो तो देश के लिए मरो, जियो तो देश के लिए मरो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जियो। लालू यादव या नीतीश कुमार रुपया के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे राहुल गांधी 1500 रुपया एक एक आदमी को बोले कि देंगे तुम हमको जिताओ, और जीत गए तो 1500 रुपया का तगादा किए, तो बोला हम जीते कहाँ से 1500 देंगे। अरे वोट ले लिया 1500 रुपया दे बोल करके, काहे नहीं दिया, पहले देता तब देता, जनता तो कहाँ जा रहा चले जाते, कम वोटरों को दे देते जो वोट। हाँ, जो ऐसा ऐसा डकैती कर रहा है वो लोग संविधान में बैठ करके, राहुल गांधी लोग, राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी, तो खैर देशभक्त नेता हैं, उनका तो निस्वार्थ है, भक्त हैं, उनका तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग ही प्रधानमंत्री होना अच्छा, चाहिए। नीतीश कुमार उनका समर्थन किए हैं? ये तो पलटू है, इधर में जहाँ देखेंगे हमको बढ़िया मंत्री मिल जाएगा ना, उधर घुसपैठ हो जाएंगे। पलटू सरकार है, ऐसे सरकार पर कोई मतलब विश्वास ही नहीं किया जाए, मतलब होता है ना, इधर से जहाँ पैसा आया वहीं घुस गया। हाँ, देखा कि बढ़िया मंत्री मिलने वाला है, कैबिनेट में हमको रेल मंत्री हो गया, चलो भाई हम इनका समर्थन कर देते हैं, ऐसा बढ़िया पद खोज के लिए पलटू सरकार है। मतलब जिधर फायदा देखते हैं नीतीश कुमार उस तरफ वो जो है अपना वो चल जाते हैं। देश के लिए ये लोग काम करने वाले नेता नहीं है, बिना पेंदे के ये लोग अपना
देश को बेचने वाले नेता हैं। बस ये लोग बिना पैनी का लोटा होता है ना, जिधर मन हुआ उधर लोग हर गया, ये बात है। नीतीश कुमार पे कोई विश्वास नहीं? वो सब कोई विश्वास है। मोदी जी कैसे नेता है? लालू यादव बिहार को ने जनता को गरीब को एक रास्ता दिया, बहुत से गुलाम में जी रहा था बिहार का जनता, उसको आँख खोल दिया लालू यादव, अब पूरा दिया जोश जुनून दिया कि एक तुमसे तुम भी किसी से लड़ सकते हो, नहीं तो हम लोग गुलाम में थे, गुलाम में बिहार, गुलाम में, हाँ गुलाम से छुटकारा दिलाया तो लालू यादव। नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, पलट जाएंगे, क्या नाम हुआ भैया? हम अंगूठा छाप हम सब नहीं बोलते, नामा का हो लोही बता, नाम तो हमारा प्रमोद शाह, देखा कैमरा पर, प्रमोद शाह नाम है आपका? हाँ। अंगूठा छाप है? अंगूठा छाप है। वोट देते हैं? वोट देते हैं। किसको दिए थे वोट? देखिए किसको देते हैं, अब आपको बता दे कि किसको देते, दिए माने कि सरकार को, जो बन गया उसी को दिए, बन गया उसको दिए या न बना उसको दिए, किसी सरकार को तो दिए हम। एक बात बताइए, एक वोट है, एक मतदान किसी को दे दिए? अच्छा हाँ। अच्छा आप काहे कह रहे थे कि आप अंगूठा छाप हैं? अंगूठा छाप है तो हम ज्यादा आपसे माने कि कहीं कहिएगा कि बकने के लिए तो उतना न बकेंगे, सैंपल से को छोटा को बक देंगे बात। अच्छा, कि देश तबाह है नेता से, अब बाप तबाह है बेटा से। हाँ, देश तबाह है नेता से, अब बाप तबाह है बेटा से। देश तो नेता जी लोग चला रहे हैं, वो चला रहे हैं मगर सही से नहीं ना चला रहे हैं। अच्छा, इधर उधर हो दल बदलू, बस 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 यह बात हमको आपसे पूछना था कि नीतीश कुमार बोले हैं कि आपका हम समर्थन करते हैं, आपको विश्वास है कि वो टिकल रह जाएंगे मोदी जी के साथ? अबर बार तो विश्वास है, अबर बार विश्वास है, टिक जाएंगे। अच्छा पलटू चाचा उनका कहल जाता है? हाँ लीजिए, तो कहल जाता है तो आप कह ही रहे हैं, हमारा से क्या बोलवा रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, आपका क्या मत है इस पे? आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, आप तो मीडिया वाले, आप कहते सही कहते हैं। हाँ। आपसे ज्यादा जानकार तो हम नहीं है, नहीं कैसे हम आप इतना जनता से खोजकार के पूछ रहे हैं, मगर सब हाल तो आप जानबे करते हैं। अबरी में विश्वास है नीतीश कुमार? हाँ अबरी में विश्वास है। क्या नाम हो लो? सनी कुमार। सनी कुमार पूरा नाम पसेने पसेने आपको कहता नहीं सुना जाइएगा, क्या क्या बेचते हैं दिखाओ जरा? चना चूर बेचते हैं। चना चूर बेचते हैं, कितना कमा लेते हैं रोज बेच के? ये बिजनेस अपना रोजगार है, अब जितना कस्टमर आता है उसको उसके ऊपर निर्भर है, कभी 300 भी बचता है, कभी 400 भी बचता है, कभी 700 तक भी बच जाता है। रोजी रोजगार किए हुए हैं, देखिए वो लोग जो रोजगार के नाम पे रोना रोते हैं कि भाई साहब से कुछ सीखिए, कहाँ तक पढ़े हैं भाई जी? हम 10th पास किए थे। 10th पास करके बहुत सारे लोग जो हैं रोड पे प्रदर्शन करने उतर जाते हैं, देखिए इनके पास जितना जानकारी है और जितना ही कर सकते हैं अपना बिजनेस किए हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार जानते हैं? जी जानते हैं, नीतीश कुमार पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है। भरोसा नहीं किया जा सकता है जी? मोदी जी का समर्थन किए हैं इस बार? मोदी जी का समर्थन किए हैं वो, अब उनका वैसे भी उम्र 75 साल हो ही चुका है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए किसी भी अति से, उसको अब रिटायर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि उम्र। मोदी जी को क्यों विश्वास है नीतीश कुमार पर कि टिकल रह जाएंगे वो? नहीं, कल के डेट में अगर उसको और बड़ा पद मिले या और ज्यादा पैसा मिले या और किसी तरह से उनको लगे ज्यादा फायदा मिले तो पलट सकते, उन पर कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि विश्वास उसी पर किया जाता है कि जो विश्वास लायक हो, वो पहले ही बहुत बार विश्वासघात कर चुके हैं बिहार के जनता के साथ में, एक दो बार नहीं। इससे लाइए लाइए लाइए, आपका दुकान का है? हाँ, किससे मांग के लाए? अच्छा मेरे लिए, वाह थैंक यू, आपको भी हम भी आइसक्रीम खिलाएंगे, इनको भुंजा खिलाइए, हम दे रहे हैं पैसा, भुंजा खिलाइए अंकल को। इस गर्मी में भाई जब आइसक्रीम मिल जाए ना तो मजा आ जाता है। क्या नाम हुआ अंकल? क्या नाम हुआ? जयराम कुमार। जयराम जी युवा है, क्या हालचाल पहले ये बताइए, क्या हालचाल? ठीक है। नीतीश प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं, नीतीश कुमार उनका समर्थन किए हैं, आपको क्या लगता है कि वो बरकरार रहेंगे उनके साथ? नहीं ऐसा तो नहीं लगता है। नहीं लग रहा है? पलटू राम है, पलटवे करेंगे। पलटू राम होने के बाद भी आप लोग उनको 18 साल से मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। मजबूरी है और क्या कहा जाए, मजबूरी में उनको जो है आप लोग बना रहे हैं। इस बार विश्वास है कि वो टिके रहेंगे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं पलटी मारवे करेंगे। देखिए बिहार के लोग जो है वो
विश्वास बहुत कम ही जता पा रहे हैं नीतीश कुमार पे। क्या नाम हुआ सर? अभिषेक। क्या करते हैं आप? पर स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। अच्छा, अपने स्टडी के अनुसार बताइए नीतीश कुमार टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? वो तो नहीं बता सकते कंफर्म, क्योंकि उनका हैबिट है बदलना। वो बदल भी सकते हैं ऐसा, लेकिन तय नहीं है जो बदलेंगे, रहेंगे। नाम? शुभम। क्या कहिए? क्या बोलिए, पूछिए ना कि नीतीश कुमार पलटेंगे? पहले तो जनता पलटता है यहाँ का, नीतीश कुमार क्या पलटेगा? जनता अब्बा बना के रखा हुआ है। जनता एक को वोट देगा सही से तब ना। राजनीतिक तरीके से वोट दिया है आज तक बिहार का जनता, जातिवाद पे दिया है। जब तक राजनीतिक तरीके से वोट नहीं दिया जाएगा तब तो कुछ नहीं होने वाला है। वो तो नेता है, उनका काम है इधर से उधर करना, लेकिन जनता को तो एक जगह रहने के वोट करना चाहिए ना। बताइए कि एक युवा का क्या मुद्दा होना चाहिए वोट करने का? युवा का बस एक ही मुद्दा है, रोजगार मिलना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिनसे सुविधा प्रदान हो। और बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार के, मैं उतना नहीं जानता बिहार के बारे में इसीलिए नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारा मुद्दा है लेकिन बिहार के लिए स्पेशली। आप गंगा नदी के उस साइड चले जाओगे ना, कुछ विकास नजर नहीं आएंगे। ये देख रहे हैं ना, यहीं पे बस दिखते हैं। आप दरभंगा चल जाओ, समस्तीपुर चल जाओ, थोड़ा बहुत बेगूसराय में हो रहे हैं मान सकते हैं, दरभंगा समस्तीपुर सीतामढ़ी सहरसा सुपौल वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप आपको हम बता देते हैं, आप 24 घंटा वहाँ पे रह नहीं पाइएगा, ऐसा स्थिति वहाँ पे बन चुका है। सरकार उधर का मुद्दा देखी। बिल्कुल 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 बोलना है। नाम बताइए पहले। एमडी रिहान सर। हैं? एमडी रिहान जी। वोट कार्ड तो दीजिए पहले। देखिए, हम सीमांचल क्षेत्र से आते हैं। अच्छा। और मेरे यहाँ पे बहुत मुद्दा है, सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या, पूरा सीमांचल हम लोग जो है मुंबई दिल्ली हैदराबाद कहीं जाके कमाते हैं, ठीक है, रोजगार है, स्वस्थ नहीं है, शिक्षा नहीं है। नीतीश कुमार तो स्कूल बनवा दिए हैं, लेकिन उस स्कूल में क्या है कि टीचर नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार के विचार में दोनों तरह का विचार रखते हैं, अच्छा भी है तो खराब भी है, कहीं पे अच्छा है तो कहीं खराब है। अच्छा, मोदी का समर्थन किए हैं तो लग रहा है कि वो टिकल रह जाएंगे उनके साथ? इस पे तो भैया देखिए, क्या पता 6 महीने बाद साल भर बाद इधर आ जाए उधर, उसमें वो गारंटी नहीं ले सकता कोई। गारंटी नहीं ले सकते, कोई नहीं बता सकता कि कब किधर हो जाए। जनता जब तक सही नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, स्पेशली बिहार, बिहार का और यूपी का। जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कहीं ना कहीं पब्लिक को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे वोट करना होगा, तब जाके जो है वो बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। उनका मांग है ना नीतीश कुमार का कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। लीजिएगा, सबसे बड़ी क्वेश्चन वो है, आप किस आधार पे विशेष राज्य का दर्जा लीजिएगा बिहार में स्पेशली? विशेष राज्य का दर्जा मतलब एक ये ही नहीं कि एक ही सिटी को डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ पे बस गया, नालंदा और पटना को डेवलपमेंट किया जाता है। बाद में कि आपको हम बोल रहे हैं ना, दरभंगा समस्तीपुर बेगूसराय मधुबनी जितना भी है, सहरसा सुपौल जो भी है, गंगा के उस साइड एक भी, आप यहां से क्या बोलते हैं वो जू सफारी पार्क है उधर, वहाँ जाने में आपको 10 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। हम लोग अपने गांव जाते हैं यहाँ से 6 घंटा लगता है और 60 किलोमीटर है जाने के लिए, जाम में फंस जाते हैं ना, 6-6 घंटे लगते हैं जाने में। अभी तो पुल बन गए इसीलिए, नहीं तो 8-8 घंटे लगते थे दिवाली में जाने के लिए वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर जो है बिहार की पब्लिक वो एक विश्वास नहीं जता पा रही है। यहाँ पे और भी लोग जो, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद समीर। मोहम्मद समी, आइसक्रीम खा रहे हैं, गर्मी बहुत है ना? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हाँ। मोदी जी कल शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद के लिए और नीतीश कुमार समर्थन किए हैं। आप बिहार के हैं तो बताइए कि नीतीश कुमार पर आपको भरोसा है कि वो टिके रहेंगे उधर? वो तो पलटू चाह है। पलटू चाह कहीं भी पलट सकता है, कहीं भी पलट सकते हैं। चाहते भी नहीं है हम लोग कि वो ना पलटे, हम लोग यही चाहते कि पलट के चले आए, क्योंकि अगर शुरू में वो चले गए थे जो इंडिया अलायंस में थे, वो अगर अब तक वो इंडिया अलायंस में रहते तो अब तक कांग्रेस की सरकार होती। हम लोग चाहते हैं कि फिर से पलट के आ जाएं। वो पिछले बार पलटे थे अपने हित के लिए, अब इस बार चाहते हैं हम लोग कि हम लोग के हित के लिए वो फिर से पलटें। तो बस ये, हाँ, जनता जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, इंडिया बचाने के लिए वो पलटें, बस यही चाहते हैं।
और क्या बस, और आइसक्रीम खाने दीजिए। अच्छा आइसक्रीम खाने दीजिए। क्या नाम हुआ? वेंकटेश कुमार। आपका सवाल क्या था? एक बार सवाल ये था कि क्या नीतीश कुमार इस बार उनके साथ मोदी जी के साथ बरकरार रहेंगे कि पलट जाएंगे? ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे ना कि वो 5 साल मोदी जी के साथ बने रहेंगे या फिर से पलट के इंडी गठबंधन में आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, यदि मान लीजिए कि नीतीश कुमार पलट भी जाते हैं तो क्या एनडीए की सरकार गिर जाएगी? 12 सांसद जीत के आया है नीतीश कुमार का जदयू से, तो और उसका सीट कितना है टोटल भाजपा का? यदि नीतीश कुमार उधर से पलट के इधर भी आ जाते हैं तो एनडीए का सरकार तो नहीं गिरेगा। तो इससे वो जो चमचे हैं राहुल गांधी के चमचे, उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी के चमचों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बस यही कहना चाहेंगे। नीतीश कुमार पर आपको भरोसा है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल भरोसा है, काहे नहीं भरोसा रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे बिहार के कब से बने हुए वो मुख्यमंत्री, इतना काम कराए तो भरोसा है। आप ये कोई ऐसा मिले जो उन पर भरोसा जता रहे हैं, नहीं तो बाकी लोग कह रहे हैं कि पलट सकते हैं। अगर पलट भी जाए तो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या आ रही है इसमें? अच्छा तो ये आपने देखा बिहार के लोग किस हद तक सीएम नीतीश कुमार पे अपना भरोसा जताते हैं, अपना विश्वास जताते हैं। बाकी आपका भी अधिकार बनता है कि एन फैक्टर पे आप अपना व्यक्तिगत विचार कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।